किचन में बनाते हैं लोडेड नैचोस। बहुत ही सरल और आसान तरीका है ये बनाने का। अब जब आपके कभी भी फ्रेंड्स आ रहे हो, गेट टुगेदर है, फटाफट बनाने वाली डिश है, 5 मिनट्स में रेडी हो जाती है और ऑलमोस्ट सभी इंग्रेडिएंट्स घर में भी पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स से। सबसे पहले हमको चाहिए होगा ये डोरिटोज नैचोस, जो कि बाजार में मिल जाता है किसी भी शॉप में। फिर हाँ, अनियन काफ़ी महंगा चल रहा है आजकल, 140 रुपीज़ के जी है। एक मीडियम साइज अनियन लिया है फाइनली चॉप्ड, और 1/4 कैप्सिकम लिया है, वो भी फाइनली चॉप्ड है। एक हरी मिर्च ली है हमने, देखिए ये भी फाइनली चॉप्ड है, और कुछ कुटी हुई काली मिर्च है, और हमको चिली फ्लेक्स भी चाहिए होगा बाद में सीजनिंग के लिए। और हमें चाहिए होगा एक पिज्ज़ा मिक्स या ओरिगानो या डोमिनोज का जो बचा हुआ आपको मिल जाते हैं सैशेज, तो वो ओरिगानो भी चलेगा, या मिक्स्ड हर्ब्स होंगे आपके पास में। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा एक मेयोनीज और ये सैंडविच स्प्रेड। ठीक है, सैंडविच स्प्रेड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बट हाँ मेयोनीज चाहिए होगा, एग या एगलेस कोई भी चलेगा। तो चलिए, और हाँ चीज़ भी, ये रहा चीज़, तो क्यूब चीज़ चाहिए होगा उसके ऊपर ग्रेट करने के लिए, और ये स्लाइस है तो भी चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले एक बोल में हम अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ये हमने अपना अनियन डाल लिया है, ये कैप्सिकम डाल लिया है, और ये ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तीनों को ये अच्छे से मिक्स कर लीजिए, साइड में रख लीजिए। और ये जो हमने ये दोनों स्प्रेड्स लिए हैं, सैंडविच स्प्रेड और मेयोनीज, ये जो हमने सैंडविच स्प्रेड और मेयोनीज लिया है, इसको हमने एक कटोरी में डाल लिया है लगभग 1.5 चम्मच, और इसको अच्छे से बीट कर लिया है। तो ये इसका दोनों का मिक्स हमने रेडी कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप एक ऐसी कोई प्लेट ले लीजिए जो कि आप अपने माइक्रोवेव में लगाकर हीट कर सकें, और ये डोरिटोज का पैकेट ओपन कर रहे हैं हमने। एक लेयर जो है आपके नाचोस की, वो आपको नीचे सबसे पहले लगानी है। ऐसे आप पूरे अपने, तो ये हमने नाचोस की एक लेयर लगा ली है। अब हमें इसके ऊपर ये जो मिक्स करा हुआ हमारा वेजिटेबल्स रखे हैं, अनियन और कैप्सिकम और ग्रीन चिली, इसको स्प्रेड करना है। और आधा ही करेगा क्योंकि इसके ऊपर हम एक और लेयर लगाएंगे, और इसको भी बस ऐसे ही ड्रिजल कर लेना है। एक और लेयर हम लगा लेंगे अपने नैचोस की इसके ऊपर। और इसके ऊपर ये अनियन और कैप्सिकम, और ये मेयोनीज का जो मिक्स है ये पूरे में। अप्रॉक्सीमेटली 3 स्पून मेयोनीज था, 1.5 सैंडविच स्प्रेड वाला और 1.5 आपका एगलेस मेयोनीज था। अब ये जो चीज हमने रख लिया था इसको ग्रेट करके डालना है,
और ये जो ये चीज हमने लिया है इसको ग्रेट करके इसके ऊपर डालेंगे, चीज क्यूब्स हैं। ऐसे पूरा चीज जो है आप डाल दीजिए इनके ऊपर। हमने एक क्यूब्स के साथ साथ एक स्लाइस भी लिया है, उस स्लाइस को भी ऐसे ही छोटा छोटा टुकड़ा जो है आप डाल दीजिए। आप कितना भी मानो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं उसमें चीज, अगर आप ज्यादा चीज पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से डाल लीजिए। तो जो ये हमारा नाचोज है ये रेडी है माइक्रोवेव में जाने के लिए फॉर 1 मिनट। 1 मिनट में ये चीज पिघल जाएगा और हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसको माइक्रोवेव में रख देते हैं कुछ 1 मिनट के लिए लगाया है, इतने में हमारा जो चीज है वो पूरा पिघल जाएगा। चलिए अब हो गया है ऐसा लग रहा है, इसको चेक करते हैं। हाँ ये देखिए आपका पूरा चीज जो है वो मेल्ट हो गया है, इसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए ये हमारा रेडी है, इसमें हम थोड़ा मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे, जैसे स्प्रिंकल कर लीजिए थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स। ये काली मिर्च है कुटी हुई, इसको और चिली फ्लेक्स हम लोग इसमें। तो देखिए रेडी है हमारा लोडेड नाचोस, फटाफट बनने वाली डिश है। आप लोग सब लोग अपने घर में ट्राई करिए और ये अच्छी जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ, और या तो आप कोई मॉकटेल बना रहे हैं कोई कॉकटेल है सबके साथ बहुत अच्छी जाती है। तो प्लीज़ डू ट्राई दिस और हमें अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करिए और हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए। थैंक यू।